Welcome to the presentation. How fast can you find out 16.8 over 84 is equal to how many percentage? यहाँ पर हमें फ्रैक्शन के इक्वलेंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. इफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 4 सेकेंड्स देन गुड एंड अवर आंसर विल बी 20%. यू कैन सी हियर. एंड हाउ विल गेट विद दिस आंसर 20%? If we use the usual way, then usual way में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16.8 over 84 अगर हम किसी भी नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से बाई यूजिंग द यूजल वे. और यहाँ पर आप देखेंगे 16.8 और यहाँ पर हम डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे डिनोमिनेटर को. मीन्स वी हैव द वैल्यू 116 टाइम्स 100 टाइम्स 80 टाइम्स 10. तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुकी है, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. वी सॉल्व 10 ऑफ 10 बाय 100 जीरो. नाउ 168 इज डिविजिबल बाय 2, 84 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. 168 how many times goes on 2? It is 84 and this is 42. 42 times 1 is 42 and 2 times 42 is 84. Now 2 times 10 that is equal to 20. As it is we get the value 20%. But how can we solve this problem by using the faster way in 4 or 5 seconds? Faster way में हम क्या करते हैं, to find out the percentage of equivalent of fraction, look of the denominator. First of all we write our expression 16.8 over 84. यहाँ पर हम क्या करेंगे, denominator को देखेंगे. मीन्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिनोमिनेटर इज दिस न्यूमरेटर 84. यू कैन सी 10% यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे 8.4 एंड 8.4 का 10% 84 का 10% है 8.4 एंड 2% इज 16.8. दैट्स व्हाई 10% मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 20%. तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी 20%. मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग द फास्टर वे देन वी लुक द डिनोमिनेटर एंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इट्स डिनोमिनेटर टू इट्स न्यूमरेटर. एज इट इज वी कैन गेट द वैल्यू 20%. लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म, वी हैव द वन इक्वेशन 33 ओवर 220. हाउ मेनी परसेंटेज, यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फास्टर वे. वी आर लुक लाइक द 220. यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10% करेंगे फाइंड आउट 220 का. 10% ऑफ 220 इज 22. नाउ 20% इज 44 बट दिस इज जस्ट स्मॉलर देन ग्रेटर देन 33 एंड हेयर वी आर टेकिंग 5. We have 10%, then we are taking 5%. 22 का हमारे पास 220 का 5% है हमारे पास 11 and 22 plus 11 that is 33. तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 plus 5 is 15%. Means 33 over 220 is equal to 15%. I will solve another example. Let's say I have the value 64.26 over 126. Here we are look like the denominator, how many percentage of its numerator 126. यहां पर आप देखेंगे numerator is just half of is just equal to or near about the half of 126 because 126 का जो half है हमारे पास वो है 63 and the numerator is
64.26, इट इज जस्ट नियर अबाउट द हाफ ऑफ 126, दैट इज 63। और इस तरह से जब भी आपकी कैलकुलेशन में आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा तो उसमें हम यहाँ पर फाइंड यार ट्रिक यूज करेंगे। फाइंड यार ट्रिक में हम क्या करते हैं, 1% फाइंड करते हैं किसी भी वैल्यू का। यहाँ पर हम 126 का 1% फाइंड करेंगे, 1% ऑफ 126 इज 1.26। एंड हियर यू कैन सी 64 टाइम्स 64.26, दैट इज 1.26, दैट इज 51% ऑफ 1.26, मीन्स वी हैव द वैल्यू 51%। मीन्स हियर वी आर यूजिंग फाइंड यार ट्रिक, मीन्स यहाँ पर हम पहले 1% फाइंड करेंगे, 1% इज इक्वल टू 1.26, और 1.26 के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर 64.26 की वैल्यू आ जाएगी 51%। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन टाइम्स वैल्यूज में इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू 51%। लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म, दिस इज द लास्ट एग्जांपल, 509.6 ओवर 520। हियर यू कैन सी 520 इज जस्ट क्लोजर टू 509, डिनोमिनेटर इज जस्ट क्लोजर टू नंबरेटर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइंड यार ट्रिक यूज करेंगे, बिकॉज वी हैव द अप्रोक्सीमेशन आंसर। हेयर वी आर यूजिंग फाइंड यार ट्रिक, अगेन वी आर फाइंडिंग 100%। यहाँ पर हम 1% फाइंड करेंगे बिकॉज 520, यहाँ पर आप देखेंगे 509.6 इज जस्ट स्मॉलर देन 100% ऑफ 520। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड यार ट्रिक यूज करेंगे, 1% ऑफ 520 इज इक्वल टू 5.2, 5.2 इज इक्वल टू 1% ऑफ 520। एंड वी आर गोइंग डाउन, मींस 515, दैट इज 99%, एंड 2% ऑफ 5.2 इज 10.4, 2% इज इक्वल टू 10.4, एंड व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 520 फ्रॉम 10.4, देन वी विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू 509.6। यू कैन आल्सो कैलकुलेट ऑन योर एक्सरसाइज 509.6, दैट्स व्हाई वी हैव वैल्यू। यहाँ पर हमने 2% माइनस किया है 100% में से, तो हमारी वैल्यू आ गई है 98%, मीन्स 98% इज इक्वल टू 509.6 ओवर 520। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।